इस वक्त मैं दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में मौजूद हूँ। दरअसल ये रैन बसेरा है, इसको डी एडिक्शन सेंटर भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ के हालात बड़े बदतर हैं। और अभी स्थिति है कि यहाँ पर एक हत्याकांड भी हुआ, बिल्कुल अंदर ही प्रमाइसिस के अंदर एक शख्स है जिसका नाम मनोज था, उसकी हत्या कर दी गई। अभी फिलहाल शाहीन नाम का एक शख्स है जिसने हत्या की गई है, कई टीमें इसमें पुलिस ने बना दी उसको पकड़ने के लिए। मैं आपको पहले यहाँ के हालात दिखाना चाह रहा हूँ। इसको रैन बसेरा बोलते हैं, कोड नंबर 65 दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड जो दिल्ली सरकार का है वो इसको चला रहा है, कोटला मुबारकपुर कहा जाता है। लेकिन हालात ये है कि यहाँ पर जो लोगों कह रहे हैं उन्हीं से बात करते हैं। राधा जी, यहाँ के हालात क्या है? यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं जी, और हम लोग यहीं रहते हैं बरसों से, और हम लोग जब से ये यहाँ पर खुला है ये जो चीज़ें हैं चोरी चकारी इन लोगों ने हत्या जैसी तो इनके लिए आम बात है। कितने यहाँ पर होते हैं रिक्शा पेशेंट आते हैं? वो कभी मैंने काउंट तो नहीं किए, लेकिन आने और हाँ जी 300-400। और डॉक्टर लोग जो भी यहाँ पर इनके केयर टेकर हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आते हैं, अदरवाइज सारा दिन यहाँ पर यही चीज़ चलती रहती है। नशा लोग खुले आम करते हैं, यहाँ से धी बेटी कोई निकल नहीं सकती है। गाय है ये इंजेक्शन लगा के यहाँ रोड पे फेंक देते हैं, अच्छी भली गाय ऑन द स्पॉट डेड कर जाती है। और आज रात को देखिए उनका सरेआम उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि उसके घर पर इन्होंने चाकू चोरी की थी, उसने उसका खंडन किया और उसकी हत्या की। आप बताओ रिश्तेदारों जिनके मुझे और इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी, ये बंद होना चाहिए। क्यों? वजह जो हमारे साथ हुआ किसी और के साथ नहीं, तो वो किसी और के साथ नहीं, छोटा भाई लगता है हमारा, ये एक्स्ट्रा लगा मेरे ताऊजी के लगता है। अच्छा, बच्चे हैं छोटे दो उसके, कोई कमाने वाला भी नहीं है, ऐसे होगा तो कैसे रह जाएगा यहाँ पे? नशा वगैरह इतना करा जाता है ना, ओपन में करा जाता है नशा, इंजेक्शन वगैरह जो भी है सी सब चीज करी जाती है। कोई रोक टोक नहीं आया है, यहाँ पब्लिक बाहर से आती है नशा करती है खाती है पीती है आराम से यहाँ रहती है। यहाँ ये बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बहन बेटी कर कहीं जाए आए जाए एक दिन एक ओपन में लगाते हैं एक बहन बेटी को नजर फेर के चले जाते, ये गलत है, ये बंद होना चाहिए बस। हम ये हालात आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये जो आश्रय है रैन बसेरा इसको कहते हैं, यहाँ पर हत्याकांड को अंजाम दिया। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ पर कोई देख रेख नहीं होती? सर हमारे निगाह में तो हम लोग नशा छोड़ने के एडनॉक मिलते हैं वही खाते हैं, हो गए 5-7 साल से एडनॉक खा कर रहते हैं, नशा छोड़ दिए हम लोग। तो यहाँ पर क्या ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर रोक टोक कोई नहीं है, कोई भी आता जाता है? वो दवाई खाने वाले आते हैं जो बाहर से जहाँ से भी एडनॉक खाने वाले हैं वो आते हैं एडनॉक खाने के लिए, कोई वो नहीं होती इधर। इधर कोई ये सब कहते हैं वो नशा छुड़वाया जाता है, तो नशा ना छुड़वाया नहीं जाता, नशा करवाया जाता है इधर, ये सब होते हैं सब झूठ बोल रहे हैं। ये ना पे नशा करवाते उनको इंजेक्शन देते स्मैक देते ना पप पीते रोड पे खड़ा हो गए ऐसे करते हैं, बहन बेटी निकलती है। कोई नशा छुड़वाने का जैसा कोई नहीं है यहाँ पे, तो ज्यादा नशा कर रहे हैं यहाँ पे लोग। नहीं तो क्या रोक टोक नहीं होती यहाँ? तो इंजेक्शन कोई रोक टोक नहीं होती, यहाँ अंदर ही शराब पी रहे होते हैं? हाँ जी अंदर ही अंदर ही सब गांजा शराब इसमें मतलब सब कुछ, ये मतलब कोई ये नशा छुड़वाने का नहीं है, और ज्यादा करवा रहे नशे को, इंजेक्शन लगाएंगे बाहर फेंक देंगे बस। आप ही रहते हैं? क्या हालात है यहाँ? क्राइम ही हो रहा है, नशा भी हो रहा है, सब काम हो रहे हैं इधर। यहाँ देख भी रहे हैं नशा भी हो रहा है, करवा भी रहे हैं नशा, करवा भी रहे हैं बैक साइड में नशा भेज भी रहे यहाँ पे यहाँ के लोग। देखिए ये हालात हैं यहाँ के रैन बसेरे के, बंद होना चाहिए यहाँ पे, बंद होना चाहिए बस। आप देखिए हालात क्या है, ऊपर से मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, कुछ लोग ऊपर देख भी रहे। दरअसल ये रैन बसेरा है दिल्ली सरकार का, लेकिन जो हालात है उसको देखकर निश्चित रूप से यहाँ लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, प्रॉपर यहाँ पर जो फैसिलिटी होनी चाहिए एडिक्शन सेंटर की तरह चलना चाहिए, वैसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है।